सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सेफ हो गए, हेल्दी हो गए। तो गाइस, मैं काफ़ी दिनों बाद लोग स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा निन्नू है। क्या है ये मेरा निन्नू? सो गाइस, आप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम बाद, 4-6 मंथ बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। तो देखो, मैं इसका व्लॉग देख रही हूँ। घर थोड़ा मैशी मैशी सा हो रहा है क्योंकि अभी मैं काम नहीं कर रहा, मतलब अभी करना स्टार्ट करूँगी। तो ये प्रेरणा दी का ब्लॉग चल रहा है। और तो मेरे डुगू का बर्थडे आ रहा है, सब मेरे डुगू का बर्थडे विश करना। एंड देन आज इसके पापा का बर्थडे है। किसका बर्थडे आज? पापा का। हेलो करो, हेलो करो, हेलो। तो गाइस, ये मेरा नीनू है। हाँ, ठीक। काफ़ी धूप पड़ रही है। चलो, काम को स्टार्ट करेंगे। देखो, इतना ज़्यादा फैला हुआ है घर, पूरा फैला हुआ है घर। ये डुब्बू है, बहुत फैला हुआ है घर। अब स्टार्ट करेंगे काम, तब आपको दिखाएंगे धीरे धीरे आगे आगे सब कुछ। चलो बाय करो, बाय करो, करो बाय। नहीं, चलो इसको मूड नहीं है बाय करने का। चलो बाय बाय, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मेरी वॉइस में थोड़ा मैनेज करना है। मेरा नीनू सो गया था, छेड़ों में तो उठ जाएगा। तो चलो, अब थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। नेक्स्ट डे की भी नहीं है, 2-3 दिन बाद की क्लिप है। दो तीन दिन पहले की क्लिप थी। 2-3 दिन बाद की क्लिप है। डुगू के बर्थडे की नाइट की क्लिप है। 22 को मतलब 12 बजे की बात किया। तो मैं थोड़ा ब्लॉग इसलिए नहीं शूट कर पाई थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर डुगू की तबीयत ठीक नहीं थी। तो ऐसे ही नहीं शूट कर पाई मैं। डुगू का बर्थडे इंजॉय करो सब। ये डुगू ने अपने आप ही केक काट लिया था, किसी ने कटवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो आप इंजॉय करो ये। उमर, उमर आया काट, नाम काट दे। भैया को देख रहा डाक के। हेलो, ला दो ना इसको दे। भैया को तो दे, इसका तो आई नहीं ना। ये कपड़े भी गंदे कर ले, गंदे ना। देख दे,
मजा आ रहा है अपना खा रहा है, वैसे खा नहीं रहा था। देर के आओ ना जाओ। गाइस आज मेरे डुगू का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। हैप्पी बर्थडे बोलो मम्मा को। आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो साहब कमेंट में हैप्पी बर्थडे बोल दो मेरे डुगू को। ओके चलो फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा बच्चा है, हेलो बोल दो। हेलो पूरा फैला हुआ है वैसे तो घर। तो हाँ बहुत लेट ब्लॉग डलेगा बट मज़ेदार। हमने मतलब बड़ा सोच रहे थे करने के ऊपर करा नहीं क्योंकि इसलिए कोई रीज़न है जो कि आपको बाद में पता चलेगा किस वजह से हमने डुगू का अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। बट करेंगे सेलिब्रेट करेंगे पर वो वाला सेलिब्रेट नहीं होगा जो हमने अपने डुगू के लिए सोचा था, है ना। तो कोई नहीं, अब जो ब्लॉग आएगा उसमें पता चलेगा आपको कि हमने इतना बड़ा बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं किया और कोई रीज़न पड़ गया था इसलिए हमने नहीं किया। डांस करिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, करो करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, करो करो ना। आजू किसे बुला रहा है? नहीं गाइस, मैं नहा ली थी इससे पहले वाली आपने क्लिप देखी होगी। सो मैं नहा के आई थी तो इसलिए मैं बोलने ली थी और थोड़ा फिर हमारा शीशा थोड़ा गंदा हो रहा था, दिखता नहीं उसमें साफ। ऐसे मैं हल्का फुल्का मेकअप कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं करती। ये मेरा बेटा सो रहा है, मम्मा का लड्डू। हाँ सो गाइस, आप मैंने ब्लॉग काफ़ी लेट हो रहे हैं तो मैं आपको हम डेली ब्लॉग आए करेंगे। वैसे मेरे फेस पे ना लाइट शेड अच्छे नहीं लगते इतने लिपस्टिक के। हाय, ये हमारे डुगू का बर्थडे है, हरि ओम उसकी सजावट की है, हरि ओम आपकी मेकअप की है। दूसरे आइटम ये तो हम जिस पर मैं आज जो मैं आई है कुत्ती नाम पहन पहन के सुंदर लाली से, कुत्ती नाम पहन पहन के सुंदर लाली से, नाचन की भी रोड लगा लिया बस में कर जानी चोरी बस तारी को अपने मेरे पतली का डांस नहीं आता बोली जानी चोरी में सितारी मागन में रखते भी कमाले।
यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पीछे म्यूज़िक चल रहे थे इसलिए, तो क्योंकि कोई कॉपीराइट क्लेम आने का मतलब वो रहता है इशू, तो इसलिए आप ये ब्लॉग इन्जॉय करो। यहाँ पे सब सॉन्ग वगैरह सुन रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे, ये मेरे भाई आए थे, भाई के दोस्त आए थे, ना पे सुलेना बिजली सब बैठ के आपस में गॉसिप कर रहे थे, मतलब चुगलियाँ नहीं है मतलब ऐसे ही बातें कर रहे थे, कभी आप समझो ऐसे बातें तो कर रहे थे। तो आप ये ब्लॉग इन्जॉय करो, आगे आगे देखते रहो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार। शकल वैसे सबकी बुंडी बुंडी आ रही है, कोई नहीं एडिट एडिट करके मैनेज कर दूंगी। यहाँ पर भी मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, यहाँ पे बैठे थे मस्ती कर रहे थे। हाँ ब्लॉग इंजॉय करो, मैं बार बार वॉइस ओवर करके नहीं दिखा सकती आपको, बट यह थोड़ी हम बातचीत वगैरह कर रहे थे, मैंने मतलब पीछे सॉन्ग चल रहे थे तो वो आपको मत सुनाती, पर वो थोड़ी मतलब इशू होता है, मतलब यूट्यूब में कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए आप सबको पता भी होगा, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये विनय का भांजा है, विनय की भतीजी है दोनों, ये मेरे दोनों तीनों भाई हैं, आप सबको ना पता हो तो मैं बता देती हूँ। तो आप ब्लॉग इन्जॉय करो आप, और बताना ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके। कांगे छोटा पैकेट मिलते हैं क्या? रुमाल डाल डाल रुमाल डाल तुझे ही काटना पता है, रुको जा बाहर से विनय को पकड़ा देना तो काटेंगे ना, ले हमने कटवा दे इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, आई होप आपका ब्लॉग काफी पसंद आया होगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, बट हाँ ये है कि मतलब क्लिप आगे पीछे हो गई है, आप उसमें देख के मैनेज कर लेना, मैं एडिटिंग करने में थोड़ा
जल्दी जल्दी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरे आगे पीछे क्लिप होगी सारी, तो इसे आप ध्यान से देख लेना, मतलब पहले समझ आ जाएगी, आप पूरा ब्लॉग देखोगे ना तो समझ आ जाएगा उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। चलो शेयर साथ करते हैं।